तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले जो हमारे पास मोबाइल फ़ोन है पोको M6 Pro 5G मोबाइल फ़ोन, जो हमारा 10,999 का मोबाइल फ़ोन है, और जो दूसरी तरफ है हमारे पास मोबाइल फ़ोन है इन्फिनिक्स नॉट 30 5G मोबाइल फ़ोन, ये हमारा 15,999 का मोबाइल फ़ोन है। तो आज हम देखेंगे इसके अंदर फ्री फायर का गेम प्ले करके टेस्ट करेंगे, कंपेयर करेंगे कि कैसा का गेम प्ले चलता है। दोनों का मैं बारे में बता दूँ, दोनों के जो आपका जो पोको है उसके अंदर स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 Core आपका प्रोसेसर मिलता है, और यही इन्फिनिक्स नोट 30 में आपको डायमेंसिटी 6080 का प्रोसेसर मिलता है। अगर फ़ोन की क्लॉक स्पीड के बारे में बात करें तो हमारा जो पोको है उसके अंदर 2.2 GHz की क्लॉक स्पीड मिलती है जो हमारा पोको है उसके अंदर, और वहीं अगर हम इन्फिनिक्स नोट 30 5G मोबाइल फ़ोन के अंदर क्लॉक स्पीड की बात करें तो इसके अंदर 2.4 GHz की क्लॉक स्पीड मिलती है। बैटरी दोनों में 5000 mAh की है, एंड्रॉयड वर्जन दोनों में 13 ही है। डिस्प्ले में थोड़ा सा अंतर है, 1/2 इंच का ही आपका पोको बड़ा है, बाकी ज़्यादा कुछ फ़र्क है नहीं। इसके बाद अब देख लेते हैं फटाफट गेम प्ले करके कौन सा मोबाइल फ़ोन बेस्ट है, तो चलते हैं फटाफट गेम प्ले की ओर। फ़ोन में आ गए हैं और फटाफट हम दोनों में ही एक साथ जो हमारा फ्री फायर है उसको टैप करते हैं और देखते हैं किस में जो हमारा फ्री फायर है वो पहले ओपन होता है। तो थोड़ी वीडियो लंबी होगी इस वजह से मैं थोड़ा सा कट कर दूंगा, बाकी मैं आपको बता दूंगा। देख सकते हैं मैंने दोनों में ही एक साथ फ्री फायर को एक्टिव किया है और हमारा जो इन्फिनिक्स है वो काफ़ी आगे चल रहा है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 मिनट आगे चल रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इन्फिनिक्स जो है वो थोड़ा सा जल्दी जो है इसके अंदर फ्री फायर एक्टिव हुआ है, पोको में थोड़ा स्लो एक्टिव हुआ है, बाकी इन्फिनिक्स हमारा जो है चालू होने में ज़्यादा फर्क नहीं, मात्र 1 से 2 सेकंड ही जो हमारा इन्फिनिक्स है वो जल्दी उसने ओपन कर दिया है, बाकी फ्री फायर थोड़ा सा लेट हो गया, नेटवर्क का भी इशू आ सकता है। तो पोको आप देख सकते हैं, पोको और ये हमारा इन्फिनिक्स दोनों मोबाइल फ़ोन है। अब इसके अंदर मैं आपका जो फ्री फायर है उसके ग्राफिक्स और देख लेता हूँ किस में कौन सा ग्राफिक्स सपोर्ट करता है। तो आ जाते हैं हमारे फ्री फायर की सेटिंग में, सेटिंग में आने के बाद ग्राफिक्स चेक कर लेते हैं कौन सा ग्राफिक्स सपोर्ट करता है दोनों में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ग्राफिक का ऑप्शन मैंने ऑन कर दिया है, हमारा जो पोको है वो हाई पर है और इसी के साथ इन्फिनिक्स जो है वो मैक्स पर है। तो आप देख सकते हैं हम मैक्स पे ट्राई करने की कोशिश करते हैं पोको की, तो देखते हैं पोको हमारा मैक्स पे होता है कि नहीं। बाकी फ्रेम रेट दोनों ही हाई पर शिफ्ट हो गए हैं, बाकी जैसा कि अभी आप देख सकते हैं हमारा जो पोको है वो हाई फ्रेम रेट पर ही सपोर्ट कर रहा है, मैक्स पे नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब जो इन्फिनिक्स है वो ग्राफिक्स के मामले में भी अच्छा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम आ जाते हैं बाहर और गेम प्ले को कर लेते हैं स्टार्ट फटाफट और देखेंगे कैसा क्या गेम प्ले है। मैंने रेडी पे कर दिया है क्लिक और हम एंटर कर चुके हैं गेम के अंदर। अब देख लेते हैं कि कौन सा गेम कैसा चल रहा है, तो फटाफट हम गेम प्ले करके देख लेते हैं कि कैसा क्या गेम चल रहा है। और जैसा कि आप देख सकते हैं हम फटाफट फ़ोन को ले लेते हैं हाथ में और गेम प्ले मैं चालू करके दिखा देता हूं आपको। जैसा कि आप देख रहे हैं सारे बटन्स में प्ले करके दिखा रहा हूं, वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। देख सकते हैं जंप वगैरह, आपकी गन शूटिंग वगैरह सब कुछ प्रॉपरली वर्क कर रहा है। डिले तो मेरे को बहुत कम देखने को मिल, डिले तो मुझे देखने को ही नहीं मिल रहा है इसमें। इन्फिनिक्स और पोको का आप दोनों का साथ में देख रहे हैं, आप अपना ओपिनियन भी हमें बताइएगा किस में आपको लग रहा है जो है बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा है।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं पोको और हमारा जो इन्फिनिक्स है इसमें हमने दोनों में गेम प्ले किया है। इन्फिनिक्स काफ़ी मामलों में आगे रहा है, बाकी गेम में किसी में भी मुझे लैगिंग के प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आए हैं। ना हमारे पोको में लैग हो रहा था गेम, ना इन्फिनिक्स में गेम लैग हुआ, दोनों मोबाइल फ़ोन में लैग नहीं हुआ। बाकी ग्राफिक्स के मामले में पोको थोड़ा सा पीछे था, और जो साथ ही साथ ग्राफिक्स के साथ साथ थोड़ा सा एक्टिव होने में भी थोड़ा डिले किया था इसने, 1 से 2 सेकेंड का, बस ज़्यादा कुछ इसमें कुछ इश्यूज नहीं आए थे। बाकी गेम इसमें प्रॉपरली चल रहा था, गेम में कोई भी दिक्कत नहीं आई मुझे, गेम काफ़ी बढ़िया चला। आपने भी वीडियो देखी, आपको कैसा लगा, कौन सा गेम बढ़िया लगा, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। बाकी ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए। आपके पास भी पोको M6 Pro 5G और इन्फिनिक्स नोट 30 मोबाइल फ़ोन है तो अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी इन्फिनिक्स और पोको का एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा रहा, ना मेरे को इन्फिनिक्स में लैग देखने को मिला बिल्कुल भी इन्फिनिक्स नोट 30 में, ना ही पोको M6 Pro 5G में लैग देखने को मिला। इसका जो प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 आपका जो प्रोसेसर है, क्लॉक स्पीड की वजह से मुझे ज़्यादा कुछ फ़र्क पता नहीं चला। इन्फिनिक्स की 2.4 GHz की क्लॉक स्पीड है और हमारा जो पोको है उसकी 2.2 GHz की क्लॉक स्पीड है। मुझे काफ़ी बढ़िया गेम लगा, एकदम स्मूथ वर्क कर रहा था, दोनों में मुझे कोई समस्या नहीं आई। बस थोड़ा सा कुछ फंक्शंस के हिसाब से, जैसे इसमें ग्राफिक्स आपका पोको में थोड़ा कम सपोर्ट करता है, इन्फिनिक्स में आप जो है हाई ग्राफिक्स पे गेम प्ले कर सकते हैं। बाकी आपको कौन सा फ़ोन अच्छा लगा, किसका गेम प्ले अच्छा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो हेलो फ्रेंड्स, तो ये वीडियो कैसी लगी आपको, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। बाकी ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए। वीडियो को कर लीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।